डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम इन SMS मैथ्स क्लास। सो आई होप कि जो प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने 10th क्लास के अपलोड किए हैं उनको आपने एंजॉय किया होगा, उससे लर्न किया होगा। सो उसी सीरीज़ में आज एक नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं और ज्योमेट्री का टॉपिक है ट्राइंगल। क्लास 10th के लिए ये फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री से। आपके ज्योमेट्री के सिलेबस में ट्राइंगल, सर्कल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थ्री टॉपिक्स आ गया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द ट्राइंगल। ट्राइंगल्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो काइंडली क्या करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियोज हम लोग अपलोड करते हैं, वेदर इट इज क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th क्लासेज हैं, तो वो अपने जो जो उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनको वो देख सकेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सी, हम लोगों ने क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, यानी फर्स्ट लेट्स थिंक अबाउट और लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ग्रेंट फिगर। सो व्हाट यू हैव लर्न, जस्ट रिकॉल करो कि आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में क्या पढ़ा है। आई थिंक सेम शेप एंड सेम साइज ना, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और भी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, सो वी कॉल इट कॉन्ग्रेंट फिगर। और हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का टॉपिक पढ़ा है, लेकिन ऐसे फिगर जिनका शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज डिफरेंट है ना, उनके साइज सेम नहीं है, उनको क्या कहेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस अभी हमने क्या कहा, हमने कहा दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो शेप और एक साइज। ओके, क्लास 9th के वीडियोज में हम लोग इसको क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो यहाँ पर उसकी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। सो हमने शेप और साइज दो चीज़ों को कनेक्ट किया है, और अगर आपको याद हो क्लास 9th की वीडियो से, तो शेप को हम लोग एंगल से और साइज को हम लोग डायमेंशंस, जो साइड्स होंगी ज्योमेट्रिकल फिगर की, उससे कनेक्ट करते हैं। तो अगर शेप उनका सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है तो क्या कहते हैं, वी कॉल इट सिमिलर फिगर। ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर बोलते हैं। हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे तो, और हमारा जो टॉपिक है, इसलिए एक्चुअली जो टॉपिक ट्रायंगल का टॉपिक है, इसमें हम हमारा मेन फोकस जो है वो सिमिलर ट्रायंगल को स्टडी करने के ऊपर है। दैट मीन जैसे हम लोगों ने क्लास 9th के ट्रायंगल टॉपिक में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को स्टडी किया था, इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ सी, हियर इज अ सर्कल, है ना, और ये साथ में एक स्क्वायर है। सो नाउ अब हमें क्या बोलेंगे इनके शेप और साइज के बारे में। सो देख के बोल सकते हैं कि सर्कल और स्क्वायर, एक सर्कल और एक स्क्वायर है आपके स्क्रीन पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम अभी स्क्रीन पे। यहाँ पर जो सामने एक सर्कल और एक स्क्वायर नजर आ रहा है, तो दोनों का साइज नहीं, बिल्कुल हम देख के बोल सकते हैं कि नहीं, साइज उनका डिफरेंट है और सबसे पहले उनका शेप भी डिफरेंट है ना, उनका तो शेप डिफरेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस सर्कल, नाउ दिस येलो सर्कल एंड रेड सर्कल, नाउ यू कंपेयर दीज टू सर्कल, व्हाट वी से कि ठीक है, एक सर्कल छोटा एक सर्कल बड़ा है, तो साइज तो भाई इसका डिफरेंट है, है ना। व्हाट अबाउट द शेप, कैन वी से कि दोनों का शेप सेम है, दोनों सेम शेप में है। ओके, लेट मी से अनदर स्क्वायर, एक और स्क्वायर ले लिया हमने, अगेन एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर है, तो साइज तो इनका अलग है ना, साइज तो इनका एक नहीं है, लेकिन शेप देखने में तो ये जैसे लग रहा है ना, दोनों स्क्वायर देखने में एक जैसा लग रहा है, दोनों सर्कल देखने में एक जैसा लग रहा है। थोड़ा सोच के देखो, क्योंकि सर्कल में तो क्योंकि सेंटर एक ही चीज होता है, रेडियस, तो उनके जब रेडियस डिफरेंट होंगे तो साइज डिफरेंट होगा, है ना, लेकिन देखने में तो सारे सर्कल एक जैसे होंगे। लेकिन ये दोनों स्क्वायर जो है, ये दोनों देखने में एक जैसा क्यों लग रहा है, इज इट नॉट कि जो ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल दोनों है ना, इनके एंगल सेम है, साइड सेम नहीं है, है ना, साइड्स अभी इनकी सेम नहीं है, हमें पता भी नहीं कि साइड्स के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, बट स्टिल दोनों स्क्वायर देखने मुझे इनका शेप तो मुझे एक जैसा लग रहा है, साइज वी डोंट नो, हम इनके साइज के बारे में भी नहीं जान रहे हैं। हियर इज अनदर, नाउ द टू ट्रायंगल्स आर देयर। सो नाउ अगेन, क्योंकि इन ट्रायंगल के बारे में, इनके एंगल्स के बारे में एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर इसके शेप और साइज दोनों के बारे में कुछ ठीक से नहीं बोल पाएंगे। यानी एक सर्कल था जिसमें हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि दोनों का शेप एक जैसा है, साइज दोनों का डिफरेंट है, हमें दिखाई दे रहा है। स्क्वायर में हम साफ देख रहे हैं कि दोनों एक जैसे शेप के हैं लेकिन साइज उनका डिफरेंट है।
सी हियर, इन ट्रायंगल के केस में हम क्लियर कट नहीं बोल पाएंगे दोनों ट्रायंगल में। हाँ, अगर एंगल अभी दिया होता ना तो शायद कुछ बोल पाते, लेकिन एक चेक करें, जैसे मैं पहले वाले स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर के ऊपर रखा है, सो क्या महसूस हो रहा है? अभी आप चारों तरफ से देखेंगे ना तो जो जो पोर्शन छूटा हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम है ना। हियर इट इज, अभी जैसे मैंने दोनों ट्रायंगल को, यानी रेड ट्रायंगल को उस जो स्काई ब्लू कलर का ट्रायंगल था उस पे शिफ्ट किया है, सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि उसका वर्टिकल एंगल दोनों का सेम था। और नॉट ओनली दैट मच, सी हियर, ये दोनों एंगल भी अब मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं कि इक्वल है। सो इज इट नॉट कि दोनों ट्रायंगल के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ना, मीनिंग उनका शेप एक जैसा है, साइज डिफरेंट है। लेकिन अब साइज में भी एक चीज हमें साइज समझ में आने लगी है कि अगर हम ध्यान से देखें, चाहे वो ये स्क्वायर का केस है या ट्रायंगल का केस है, सो इज इट नॉट कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है। हमने जो अपने ट्रायंगल का केस, ट्रायंगल को जिसमें ट्रायंगल और स्क्वायर के केस में जहां पर हम बोल रहे हैं कि ओके ये ऐसा हो सकता है ना कि दोनों ये सेम शेप में है, दोनों का शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, शेप सेम है, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। स्क्वायर के केस में भी देख रहे हैं, ट्रायंगल के भी केस में देख रहे हैं, लेकिन इनके साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है? सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ स्क्वायर और इन केस ऑफ ट्रायंगल कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट मीन प्रोपोर्शन। सो नाउ वी कैन डिफाइन लाइक दिस फॉर ए सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ नंबर वन their corresponding angles are equal and number two their corresponding sides are also equal, okay, their corresponding sides are, their corresponding sides are also in the same ratio, not equal, equal नहीं होगा, equal होने पे तो फिर congruent पे चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर congruent से different क्या हो गया, corresponding angle तो equal है लेकिन उनकी जो sides है वो proportion में, उनका proportionate value same होगा, ओके। सो ये हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बना ली है। अब हम ना, हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 आपको सामने नजर आ रही होगी जिसके क्वेश्चंस आप डायरेक्टली दे सकेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन से एक्सरसाइज की जा सकती है। सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, है ना। अभी हमने पढ़ा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर यस सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल के एंगल इक्वल होंगे। सो ऑल इक्वल ट्राइंगल्स आर, इसमें आंसर इक्विलेटरल हो जाएगा, ऑल इक्वल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। सो एक में इक्वल आएगा, दूसरे में प्रोपोर्शनल लिखेंगे। Give two different examples of pair of similar and non-similar figure. You can do it, है ना? Okay, third question है, state whether the following quadrilaterals are similar or not. See here, उनका sides का ratio same नजर आ रहा है मुझे, है ना? नहीं देखो, 1.53 half, इसका double है, इसका double है, इसका ये double है, इसका ये double है, but their angles, corresponding angles, their angles are not equal. क्योंकि angle equal नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये similar नहीं है, क्योंकि इनका शेप एक जैसा नहीं है, साइज में ये प्रोपोर्शनल में है। साइज का इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइज प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो साइज के हिसाब से प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की 6.1। थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। सी नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिमिलर ट्रायंगल, जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली, यानी इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की ही बात करेंगे और सिमिलर ट्रायंगल्स के डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट थ्योरम्स को स्टडी करने वाले। सो हाउ कैन वी डिफाइन द सिमिलर ट्रायंगल्स, जैसे अभी हमने पॉलीगन को डिफाइन किया है, इन द सेम वे लेट अस डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल है लाइक दिस कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। This definition is exactly same as we have defined similar polygons, na? जैसा हमने polygon के लिए define किया है, बिल्कुल exactly उसी तरह से define कर रहा है कि two triangles are similar if number one their corresponding angles are equal and number two their corresponding sides are in the same ratio. Okay, one more question कि if corresponding angles of the two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. यानी उनके angles equal हैं,
लेकिन उनके साइट्स के बारे में, साइट्स के मुझे पता ही नहीं कुछ, आई डोंट नो एनीथिंग, देन इन दैट केस वी कॉल बोथ द ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स. ओके ओके, नाउ लेट अस कम टू द अनदर वन, दिस इज द थेल्स. एक्चुअली ये थेल्स थे ना, इन्होंने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पहली बार, उनकी जो साइड्स प्रपोर्शंस होते हैं ना, तो प्रपोर्शनलिटी के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था. और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम, कि अगर कोई भी टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स यानी जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होता है. ये थेल्स ने कहा था और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने इस चीज़ को यूज करने बोलने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज किया था. To say this, he used basic proportionality theorem, और इसी basic proportionality theorem को हम लोग Thales theorem भी ना, हम लोग इसको Thales theorem भी जानते हैं. So let us do one activity, छोटी सी activity करेंगे, जिससे हम थोड़ा सा basic proportionality के बारे में, proportionality के बारे में थोड़ा सा learn करेंगे. Then we come to the basic proportionality theorem और Thales theorem. Okay, see here, I have taken two lines. हमने क्या किया, दो लाइनें ले ली हैं. वन इज लाइन ए बी एंड अनदर वन इज लाइन ए सी. इस पे क्या करते हैं, ए सी पे हमने फाइव इक्वल मार्क कर लिए, जैसे ना ये हमने इक्वल मार्क्स बना लिए. ओके, ए पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, सो दीज आर द इक्वल, ये इक्वल है. और हमने क्या किया, एक लाइन जो टी से, पॉइंट टी से हमने ए बी पे ड्रॉ कर लिया है. ओके, उसका एंगल कोई जरूरी नहीं किस एंगल पे है, यानी एक लाइन हमने टी से पास करते हुए जो कि ए बी को वाई पे कट कर रहा है. ओके, सिमिलरली हमने क्या किया, आर से भी एक लाइन ले लिया है जो कि उसको एक्स पे कट कर रहा है. ओके, नाउ सी, अब अगर हम ध्यान दें, सो इसमें ए पी का, ए पी और आर एस का रेशियो क्या होगा, ए पी वन टू थ्री है ना, और आर एस कितना है, टू. ऐसे अगर मैं AP के साथ सिंपली AT का रेशियो लूंगा, तो इज इट 3/5 हो जाएगा, 3/5. अब आप क्या करिए कि एक्टिविटीज में इस रेशियो को भी, दैट मीन AX और AY, इस रेशियो को चेक करिए. सो ये रेशियो भी 3/5 आएगा, या अगर आप AX और XY के रेशियो को चेक करेंगे तो वो रेशियो भी 3/2 आएगा. ये हम एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, स्केल लेंगे और हमें क्योंकि सिंपली पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर रही हैं, यहाँ टी वाई और आर एक्स पैरेलल लाइंस है, सो क्या करना है, स्केल चाहिए जिससे कि लाइनें ड्रॉ कर सकें और इक्वल मार्क कर सकें. तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखने से हमें ये महसूस होता है कि ए आर और जो ए आर और ए टी का रेशियो है, द सेम रेशियो. Here I have written AP ना, so it is not AP actually, it is AR, क्योंकि हमने R से draw किया ना, हमने AP गलती से लिख दिया. So AR और RS, ऐसे ही AR और AT का जो ratio होगा, दूसरी side में AX और AY का ratio ले रहे हैं. See again, यहाँ पर लाइनें parallel हैं, RX और TY parallel लाइनें हैं. जब ये लाइनें parallel होंगी तो ratio equal होगा, और अगर ratio equal होगा तो आपको लाइनें parallel मिल जाएंगी. ये हम एक्टिविटी से सिंपली इसको चेक कर सकते हैं, और इसी थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं. सो नाउ लेट अस प्रूव इट, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है. सो हियर वी हैव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हिच इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. ओके, सो व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स, क्या है स्टेटमेंट थ्योरम की, कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, the other two sides are divided in the same ratio. क्या काम ने, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. Now let us see, क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, let us start with a triangle, और हमने क्या किया, एक line parallel ली है ना, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, यानी अगर हम ऐसे लेते हैं कि okay, we have started with a b c, हमने एक a b c triangle ले लिया, और इस side b c के BC के पैरेलल एक लाइन DE हमने ड्रॉ कर दिया. सो द फर्स्ट लाइन देखो, जो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी बाकी जो दोनों साइड है AB और AC को DE और E पे कट कर रहा है.
So the other two sides are divided in the same ratio. Other sides are divided in the same ratio. It means हमें क्या prove करना है इसमें, अगर मैं ये लिखूँ कि to prove, इसमें जो हम prove करने जा रहे हैं वो हो जाएगा AD upon DB is equal to AE upon EC. ये मैं प्रूव करता हूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग इट ना. सो व्हाट इज गिवन, मैं इसमें अवॉइड कर रहा हूँ लिखने के लिए, बुक में भी लिखा होता है. थ्योरम समझाने जा रहे हैं, वैसे लिखना है तो लिख सकते हैं ना कि गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी वेयर डी इज पैरेलल टू बीसी. प्रूव क्या करना है कि AD upon DB जो है वो AE upon EC के इक्वल है, ये मैं प्रूव करना है. सो टू प्रूव इट वी आर नाउ डूइंग सम कंस्ट्रक्शन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने DC को ज्वाइन कर लिया, देन हमने BE को ज्वाइन किया है. नाउ हमने E से AD पे एक परपेंडिकुलर, यानी ये 90 का एंगल हुआ, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, और ऐसे ही हमने इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, यानी हमने D से AC लाइन पे और E से AB लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ओके लेट दिस दीज परपेंडिकुलर्स आर NNM. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूविंग इट, है ना. आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ओके जस्ट मिनट, स्क्रीन लॉस हो गया. ओके नाउ द प्रूफ, है ना. ओके आई एम गोइंग टू प्रूव इट एज अ प्रूफ पार्ट. सो नाउ यू सी, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, यानी ट्रायंगल अगर हम बोलें कि एरिया ले लें ट्रायंगल DEB, ओके और मैं एरिया ले लेता हूँ, इधर DB लिया मैंने तो साथ में मैं, क्योंकि मुझे AD चाहिए था और DB चाहिए था, तो DEB में तो मुझे DB मिल जाएगा, है ना. तो मुझे AD चाहिए तो ट्रायंगल क्या लेते हैं, ADE. नाउ द ट्रायंगल इज ADE. सो If we take these two triangle, अगर ये दोनों triangle ले लिए जाए, then what will happen? इनका area कितना होगा? Now see, DBE जा, triangle DBE में ध्यान से देखना है, area के हम लेते हैं half, हमने BD को base ले लिया, या DBE को हमने base ले लिया. So, is it NE is the height? यहाँ ध्यान देना है, क्या any height होगा? Perpendicular, क्योंकि E से BD पे any perpendicular है. अच्छा ऐसे ही ADE में अगर हम यहाँ पर हाफ हम AD को बेस ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो हमें NE सिंपली हाइट नजर आ रहा है, यानी यहां से मैं ये बोल सकता हूँ नाउ वी आर गेटिंग DB अपॉन AD. अब मुझे AE और EC चाहिए, क्योंकि यहाँ DB न्यूमरेटर में है, तो इधर भी क्या करेंगे, EC को न्यूमरेटर ले रहे हैं. तो इस बार जो हम एरिया लेने जा रहे हैं ट्राइंगल का, वो ले रहे हैं DEC, और उसके साथ एक और हमने ट्रायंगल ऊपर बनाया ना, है ना, वही वापस ADE, दोनों ट्रायंगल के ऊपर वापस लेते हैं. नाउ इस DEC में अगेन हाफ बेस ले लीजिए, C है ना, C इज द बेस और EC बोल सकते हैं, एक ही बात है. इसमें हाइट क्या हो जाएगी, नाउ यहां देखना, ये जो हमारा बेस साइड है और ये लाइन, ये इसमें परपेंडिकुलर तो है ना, ये और ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हाइट इसमें DM हो जाएगा, DM इज द हाइट. ऐसे ही इधर क्या करते हैं, अगर हम ADE के लिए AE को बेस लेंगे, तो इसमें DM हाइट हो जाएगा, अगर DM को कैंसिल कर दिया जाए, सो नाउ यू आर गेटिंग CE अपॉन AE. ठीक, क्या ये इक्वल है, है ना. नाउ टेल मी अबाउट, एक बार थोड़ा सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और ADE तो दोनों में सेम है ना, तो लीव इट, है ना, छोड़ देते हैं इसको. DEB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, व्हाट यू कैन से अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, मे बी एनी थ्योरम which you have learned in class 9 regarding this, अगर इससे related आपने कोई theorem 9th में पढ़ा है, कुछ भी ऐसा पढ़ा है, ध्यान देना थोड़ा सा. So अगर याद हो, तो ये जो D को अगर base लेते हैं, see here, D और BC parallel है, DE base है, so this DEB और DEC, ये दोनों triangles, same parallel और same base पे है, इसका दोनों equal होने चाहिए. Now, ये दोनों equal है, और न्यूमरेटर इक्वल है,
यानी हम ये बोल सकते हैं ना कि हम यहां पर बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, रीजन लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल ऑन द सेम बेस, और क्योंकि एडी तो इक्वल है तो इसका मतलब दोनों में इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब कि डी बी बाय ए डी जो है वो इक्वल होना चाहिए सी ई बाय ए, और रिवर्स ले लें तो लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी ये इक्वल होना चाहिए ए ई बाय सी, हेंस द थ्योरम। यही तो मैं प्रूव करना था, है ना? दिस एक्चुअली वी वांट टू प्रूव, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ओके, सो दिस इज अ सिंपल प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम इसके कन्वर्स को भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्स मतलब कि यहां पर क्या था, लाइनें पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन डी उसके टू साइड्स को कट करती है सेम रेशियो में, तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगा, है ना? ओके, सो दिस मे बी द अनदर वन। हम यहां पर और भी एक आध रिजल्ट बना सकते हैं, जैसे सी अगर अगर हम दोनों साइड में वन ऐड कर दे तो क्या होगा, एडी में डीबी को, एडी में जब आप डीबी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट एबी आ जाएगा। सो एबी बाय डीबी आ जाएगा आपके पास, ऐसे यहां क्या आ जाएगा, एसी बाय सी हो जाएगा। दैट मीन ये जो वन पार्ट है एडी, इसका रेशियो डीबी के साथ अगर ले रहे हैं तो यहां भी ईसी के साथ रेशियो होगा। लेकिन अगर आप पूरी साइड ले लेंगे, यानी ऐसा कर सकते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड एडी और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एबी का रेशियो इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एसी के इक्वल होगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, फ्रॉम हेयर आई कैन से कि हम ये भी रिजल्ट बोल सकते हैं कि एडी बाय एबी जो है वो एई बाय ई बाय एसी के इक्वल होगा। ये भी हम यहां पर इजिली प्रूव करके दिखा सकते हैं इन द थियोरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शन थियोरम। इसके कन्वर्स को भी ऐसे प्रूव करके देखिए। ओके, इन अवर नेक्स्ट वीडियो दिस इज व्हाट अप टू वी हैव लर्न बेसिक प्रोपोर्शन थियोरम। सो नाउ यू हैव द एक्सरसाइज 6.2, जिसका वीडियो सेपरेट आपको मिल जाएगा, अलग वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट, वी सॉल्व एक्सरसाइज 6.2 को हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और साथ में अगर ऐसे देखा जाए तो अभी तक हमने जो मेन फोकस किया है वो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन पे, और दूसरा हमने बेसिक प्रोपोर्शन बीपीटी, बीपीटी को लर्न भी करना है, उसका प्रूफ भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ की लैंग्वेज में, या स्टेटमेंट दिया होगा प्रूफ आपसे करा लेंगे। और इसी एक थ्योरम पे पूरी 6.2 एक्सरसाइज बेस है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के जो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से हम सिमिलर ट्रायंगल पता कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर सेकेंड वीडियो। और देन इन अदर वीडियो वी डिस्कस अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो इन थ्री वीडियोस वी डिस्कस अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द टॉपिक, एंड टू और थ्री वीडियोस हम डेडिकेट करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी की और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर आपसे आप मेरे साथ मिलके अपनी मेरे साथ मिलके हम लोग एक साथ मैथ्स लर्न कर सकते हैं। आई एम सेइंग कि मैं भी आपके साथ हम लोग मैथ्स को लर्न करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।